इस वक्त हम मौजूद हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी के घर पर, जिनके यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रीत पाल सिंह बग्गा जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या अपडेट है, अभी क्या जानकारी है उनको मिल गई मंगलवार तक के लिए? ये सबसे बड़ी अपडेट है, ये बहुत ही खुशी की बात है जी। सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है कि बेटे को राहत मिल गई है? जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, असीम है। कहाँ है इस वक्त? करीब अभी से 6 बजे के वक्त वो निकले थे घर, वकीलों के साथ हैं। जब यहाँ से सीधा वो मेरे को बोल के गए कि मैं वकीलों के पास जा रहा हूँ, उनके साथ 5-6 वकील बैठे हुए हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई उन लोगों ने करवाई है। सर, आपने आज दोपहर में कहा था कि आप चाहते हैं कि जो आपके बेटे हैं वो पंजाब पुलिस से बच के बाकी दिल्ली पुलिस या कहीं पे खुद को सरेंडर कर दे, तो इस पे लेकर क्या कहेंगे सर? अभी राहत, मैं अभी भी कहूँ राहत मिल गई, बाद वो मामला खत्म हो गया, अब फिर भी को कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट क्या लगता है कि आगे कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करेगी? फैसला आपके हक में आएगा या क्या लगता है? बिल्कुल फैसला हमारे हक में आएगा। किस ग्राउंड पे, किस मुद्दे के ऊपर उसके खिलाफ फैसला देंगे? फैसला हर हालत में हक में ही आएगा। सर, अभी जो राहत मिली है, इस राहत को आप किस तरीके से देखते हैं? कैसा लगता है कि मतलब कल आपके बेटे वापस घर आए, इस तरीके से जो पूरा मामला हुआ कल पूरे दिन, उसके बाद आज फिर से राहत मिली है, किस तरीके से इसको देखते हैं? जैसे बंदे का बुखार उतर जाता है तो उसे ठंडक महसूस होती है, वो मेरे को हो रही है। कितनी खुशी, क्या लगता है कि बेटे वापस आपके पास यहाँ पे आपके बगल में बैठने के लिए कितने देर में आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे? ये कहना मुश्किल है कि अब वो दिल्ली में है या वहाँ मोहाली में है या जहाँ पर ये अभी हुआ है वहाँ है। उसने मेरे को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने वकीलों के साथ हूँ। तो आज क्या तैयारियाँ हैं? कल ढोल नगाड़े थे, हम यहाँ पे मौजूद थे कल रात को भी, आज क्या तैयारियाँ हैं, क्या सोचा है, किस तरीके से बेटे का स्वागत फिर से करेंगे आप? आज आराम से बैठ कर सोएंगे। अच्छा, पूरी करेंगे कि 2 दिन से नींद खराब थी? नींद खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन थी भी थी, और सारा कल भी आपने पूरा दिन देखा थाने के अंदर, फिर कल सारी रात यहाँ जो बीती है 3-4 बजे तक, और फिर कल सवेरे 7 बजते आज सारा मीडिया आ चुका था, तो हमें बिल्कुल ही बैठने का, चाय तक पीने का मौका नहीं मिला, ये हालात थे। आगे की क्या रणनीति है आपकी? बेटे से लगातार बातचीत हो रही है, आप बात कर रहे हैं उनके साथ, टच में है, आगे क्या कहा? अभी तो फैसला आया है, राहत मिली है, वो घर आता है तो बैठ के इस पर सोचेंगे, बाकी तो उसने वकीलों ने ही करना है फाइनल के क्या करना चाहिए। मतलब वो घर आएंगे तो इस पर आगे की जो रणनीति है वो आप तय करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आपके कार्यकर्ता या जो भी आपके अपने रिश्तेदार है वो पूरे समय से? सबका सबका अपार धन्यवाद, इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, और सबसे बड़ी बात है विदेशों से संदेश आ रहे हैं, प्राइम एशिया पर चला है, और पंजाब से मेरे जो जानकार थे, जो सारे ही के सारे आम आदमी के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा मुंडा हीरो बन गया। एक आखिरी सवाल सर, बेटा जब कुछ करता है, मतलब एक बाप के लिए सबसे गर्व की बात होती है, तो बाकी सर जो पॉलिटिकल, इनसे परे एक बाप के तौर पर आप क्या कहेंगे, एक पिता के तौर पर? बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ, आज उसका एक भाग्योदय हुआ है, आगे देखिए क्या क्या होता है। तो आपने अभी हम सुना जो कि बग्गा जी के पिता हैं, जिनका कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बेटे के घर आने का, फिर वो आगे जो भी उनके प्लान है, वकील जो भी फैसला तय करते हैं वो बात करेंगे। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, ABP News, दिल्ली।